हेलो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है टू पॉइंट फोर द सन एंगुलर डायमीटर इज मेजर टू बी यहाँ पे देखिए कितना है एंगल दिया हो वन नाइन टू डबल जीरो इन राइट सॉरी सेकेंड डबल बार मींस सेकेंड द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज न पॉइंट फोर नाइन सिक्स इंटू टन हंड्रेस टू अलेवन मीटर व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन ठीक है ये वैल्यूज देख लिए. अब यहाँ से देखते यहाँ से ये यह हो गया हमारा अर्थ 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 से सन को पहले ये, ये पॉइंट पे हम मेजर करेंगे पॉइंट ए यहाँ से पहले ये पॉइंट को मेजर किया उसके बाद पॉइंट बी को मेजर किया ठीक है ये हो गया हमारा पूरा पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पॉइंट और पॉइंट बी को मेजर किया यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एंगुलर एंगल विच इज रिप्रेजेंट बाई अल्फा एंड द आल्फाज़ वैल्यू इज गिवन टू अस अल्फा इज इक्वल टू वन नाइन टू जीरो सेकेंड इसे बाद में हम कन्वर्ट करेंगे उसके बाद हमें क्या बोला है द डिस्टेंस डी ऑफ द सन मीन्स दैट द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन विच इज़ डी इज गिवन टू अस वन पॉइंट फोर नाइन सिक्स इन टू टेंड टू अलेवन मीटर ठीक है ये अलेवेन है और ये बार है ये सिर्फ अलेवेन है और ये दो बार है सब कन्फ्यूज मत हो जाना ठीक है चलो उसके बाद वट इज़ द डायमीटर ऑफ द सन डायमीटर ऑफ द सन मीन्स समझ लीजिए कि ये हो गया हमारा डायमीटर डी दैट वन मीन्स ए टू बी A to B का जो डिस्टेंस है ए टू बी डायमीटर वो हमें डिफाइन करना है ठीक है एंगल आल्फा हो गया अल्फा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस आर्क हमारा डी है और रेडियस के लिए हमारे डिस्टेंस डी हमें क्या डिफाइन करना है डाया मीटर डिफाइन करना है तो ये डायमीटर डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा इंटू डी इक्वेशन नंबर वन जो हमें डिफाइन करना है वो क्लियर चलो अब देखो यहाँ हमें अल्फा की जो वैल्यू दिया हुआ है वापस यहां पे आ जाते हैं ओके अल्फा का जो वैल्यू दिया हुआ है दिस अल्फा वन नाइन टू जीरो सेकेंड वेर वी नो दैट ना कि वन सेकेंड पहले में दी डिफाइन कर चुके हैं वन सेकेंड इज इक्वल टू फोर पॉइंट एट फाइव इंटू टेनरेस टू माइनस सिक्स रेडियन ओके नाउ मल्टीप्लाई दिस वन टू वन नाइन टू जीरो मल्टीप्लाई फोर पॉइंट एट फाइव इंटू टेनरेस टू माइनस सिक्स रेडियन इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए देन वी गेट नाइन थ्री वन नाइन थ्री वन टू इंटू रेस टू माइनस सिक्स रेडियन यहाँ तो थ्री प्लॉइड पॉइंट हम स्लाइड कर देंगे दैट वी गेट हमारा टेक्स्ट बुक का अकॉर्डिंग आंसर ये आ जाएगा नाइन पॉइंट थ्री वन जो माइनस सिक्स है वन एंड थ्री स्लाइड किया नाइन पॉइंट थ्री वन टू इंटू टेंस टू माइनस थ्री रेडियन हो जाएगा अल्फ़ा का वैल्यू आ गया ठीक है अल्फा का वैल्यू अगर डी का वैल्यू तो सिंपल दिया ही हुआ है फ्रॉम इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन वन वी हैव चलो अब फ्रॉम इक्वेशन वन हमारे इक्वेशन वन क्या है वेर द डी इज इक्वल टू अल्फा इन टू डी चलो अल्फा की वैल्यू अभी हमने डिफाइन किया नाइन पॉइंट थ्री वन टू थ्री वेर द कैपिटल डी विल बी वन पॉइंट फोर नाइन सिक्स इन टू टेनरेज टू अलेवन इन अटर ओके इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो पहले चलो नाइन पॉइंट थ्री वन टू इंट वन पॉइंट फोर नाइन सिक्स आप लोग मल्टीप्लाई करें ठीक है मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ मैं लिखूंगा यहाँ पे थर्टीन पॉइंट नाइन टू डबल सेवन समथिंग कुछ आंसर आएगा और टेनरेज टू माइनस थ्री प्लस इलेवन दैट थर्टीन पॉइंट नाइन टू डबल सेवन इंटू चलो क्या हो जाएगा इलेवन एंड माइनस थ्री एलेवन एंड माइनस थ्री क्या हो जाएगा टेनरेज टू प्लस एट माइनस थ्री उसमें से निकाल देंगे तो माइनस प्लस एट एट हो जाएगा ओके अकॉर्डिंग टू आर टेक्सट बुक आंसर ये आंसर आ गया ये हमारा फाइनल आंसर है लेकिन अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक आंसर सिर्फ इसे अरेंज करके लिखा हुआ है तो यहाँ से एक पॉइंट पीछे ले जाते हैं वन पॉइंट थ्री नाइन इन टू वन पॉइंट पीछे किया तो ये हो जाएगा टेनरेस टू नाइन मीटर ये हो गया हमारा डायमीटर हमारा मीन्स ये सन का डायमीटर जो ये जो हमें यहाँ पर डिफाइन करना था ठीक है नाइस डे थैंक यू टेक केयर